वाले हम सर्कस वाले हम सर्कस वाले हम सर्कस वाले Thank you.
अरे भी कोई रीत है राम सिंह, तुम शेर को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं अपने एक दोस्त को टेलीफोन करने के लिए गया था। तुम टेलीफोन करने के लिए गए थे? या बच्चे को शेर खा जाता तो? मगर ये बच्चा किसका है? किसी का भी हो, तुम्हारा फर्ज है जब शेर को रिंग में छोड़ा जाए तो वहां तुम्हें मौजूद रहना चाहिए। आई एम सॉरी। बाबा तू कहां से आ गया? दूर से, घनघन में। घनघन में? जी हाँ, घनघन यानी रेलवे में। ये बच्चा भाग कर आया है। बाबा तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर। अरे वाह छा सुंदर। बाबा तेरा घर कहाँ है? घर में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ा भोला बच्चा है। जी हाँ बड़ा भोला बच्चा है। सेठ जी इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए, नहीं तो अपना सर्कस जेल खाने में करवाएगा। और क्या, एक बच्चे तो सर्कस शो में से गायब हो चुका है, अगर यह गायब हो गया तो और भी बदनामी हो जाएगी। हाँ उषा इसे अभी जाकर पुलिस के हवाले कर दो। मेरी बगत। बात 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 ले बाबा तेरी बात बात बात। चलो भोलू पुलिस स्टेशन चले। ये बच्चा हमारे सर्कस में अकेला आ गया। अकेला ही नहीं साहब, ये बदक भी साथ में लाया है। माफ करना साहब। हाँ बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर। और तुम्हारे पिता का नाम? पप्पा। पप्पा? और पूछो घर कहाँ है तो कहता घर में। चौप, चौप। बच्चा तो किसी अच्छे घर का जान पड़ता है। आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी हर तरफ पुलिस स्टेशन पर टेलीफोन किए देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब मेरे ख्याल से ये बच्चा कहीं दूर शहर से आया हुआ। अच्छा? है। जी हाँ, और कहता है कि गनगन में आया है। गनगन में? चुप चुप। ओह यानी रेलगाड़ी। हो सकता है माँ बाप ट्रेन में सो गए हो और ये अकेला प्लेटफॉर्म पर उतर पड़ा हो। चलो ना। चलते हैं बाबा। तो क्या आप इसको अपने पास रखना चाहती हैं? जी हाँ मुझे ये बच्चा बहुत पसंद है। अच्छा तो जब तक इसके माता पिता न मिले आप इसे रख सकती हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं अजी छोड़ो, किसकी बकरी और कौन डाले घास। तुम चुप रहो, मैं इसे अपने पास रखूंगी। तो आप पूरी जिम्मेदार है इसकी हिफाजत की, क्योंकि कई दिन हुए आपके सर्कस शो में से एक शेर का बच्चा उड़ाया जा चुका है। जी हाँ मेरे पास से बच्चा उड़ा ले जाना मुश्किल काम है। तो रखिए, और किसी पर जरा भी शक हो तो हमें फौरन खबर दीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे उड़ाने के बहुत केस हो रहे हैं। थैंक यू। चलो बाबा। बाबा मेरे ख्याल से इस बतख को जेल में बंद कर दे। नहीं मेरी बदबत। हाँ तो ले तेरी बदबत और बंद कर अपनी बकबक। बैठ जा मोती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये मैडम और बच्चा कौन था? ये सर्कस क्वीन है और एक खोया हुआ बच्चा इनके हाथ लगा है। अच्छा तो यही सर्कस क्वीन है? हाँ। आज से तुम्हारी ड्यूटी ये भी होगी कि तुम प्रताप सर्कस पर नजर रखो, ये बच्चा बड़े घर का मालूम होता है। मेरे ख्याल में इसे भी उड़ाने की कोशिश की जाएगी। तो आपका ख्याल है कि सर्कस में भी कोई बदमाश है? बिल्कुल ठीक समझे। अच्छी बात है, मैं पता लगाऊंगा। एनीथिंग एल्स सर? नो थैंक यू। चल मोती, मोती चल। ये है इंस्पेक्टर साहब, मेरा लाल, मेरा चंदा। न जाने कहाँ चला गया आदमी सुंदर। मगर आप लोग इस छोटे बच्चे से गाफिल क्यों हो जाते हैं? ऐसा न कहिए इंस्पेक्टर साहब, जिधर जिधर मेरा लाल जाता था मेरी नजरें उसके तलवे चूमती थी। इतनी खतरा जरूर हुई, मैंने गुस्से में उसके बतख को कह दिया अब गर्दन मरोड़ दूंगी उसकी, बस वो बतख लेके भाग गया मेरे सामने से। तो वो डर कर दूर निकल गया और रास्ता भूल गया। एक आदमी ने उसे रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा था। आप फिक्र न कीजिए, मैं हर तरफ टेलीफोन किए देता हूँ। आज दिन भर में उसका पता नहीं चला तो मैं हजारों रुपये इनाम देने के इश्तेहार दूंगी। इश्तेहार की जरूरत नहीं, पुलिस जरूर ढूंढ निकालेगी। आप जाइए धीरे रखिए। चलो अब जोशी के पास चलेंगे। लो फिर खांसी आ गई इसको। जाने क्या हो जाता है गाड़ी को। क्या मालूम, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है?
भोलू जी, इसे होटल में ले जाओ, मैं गाड़ी रिपेयर करके आ। ओहो हो, चल भाई चल यार, होटल में ले जाओ इसको। चलो, तेरे को मालूम हो गया मेरे जेब में पैसे आ गए, ले पकड़ तेरी फटक। चल आज हमारे नसीब में बन गया भाई, मालूम नहीं यार। बार, बार। क्या खाएगा पापा? बिस्कुट और केक। बॉय और लेमन। लेमन बॉय। हाँ जी, और क्या क्या खाएगा? हलवा, पूरी, मलाई और क्या? कुल्फी। चल चल, यहाँ भजिया के सिवा कुछ नहीं मिलता है। बॉय, इसके लिए 5-6 प्लेट भजिया लाओ, एक चाय लाओ, मेरे लिए ऑरेंज लाओ और बदक के लिए ठंडा पानी लाओ। जाओ। मेरा चना बना है या लाए बना दे मत वाला, मेरा चना जो भी खाए गालों पर लाली आए, फिर से जवानी चाहे चना जोड़े गरम बाबू मैं। अबे जा, चना जो तेरा खाए सीधा सर्व चले जाए और जाके लौट आए। अच्छा तो ये बात है, तो लाए खाने के चने दे। कौन है? था नहीं मगर एक आदमी इसके साथ एक बच्ची को लेकर अंदर गया है। अच्छा अच्छा, समझा। चल बैठे। चना गरम, चना गरम। अच्छा ना, कहा था जो कुछ मंगाना मंगाना, मैं पैसे दूंगा, बहुत है। क्यों बाबा, और कुछ खाएगा? हलवा। अरे क्या खाएगा, ऐसे बोल, तेरा पेट है कि होटल का बाबर चीखना अभी नहीं, अगली तरह खाना है। तो मैं सिगरेट पी। माचिस 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 का है। तेरी गड़बड़ में माचिस लेना भी भूल गया मैं। मैं किससे मांगू माचिस? माचिस। ओहो माचिस। थैंक यू भाई, पैकेट भी दे दो। थैंक यू। पैकेट भाई। चोर 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 Thank you.
बिल्कुल। मैडम ये सब क्या हो रहा है? आकर एक बाकी देखे इसको बताइए। क्या हाथ बताया मेरी सर्कस स्पिन ने। चलो चलो बेटा। दोबारा मत लाना वरना बावर्ची खाने में चली जाएगी, समझा ना। हेलो, ये तुमने हमारे होटल की क्या हालत बना रखी? क्या कहा? आप जा सकती हैं। हाँ, समझदार हो, बच गए बेटा। तुम सब के सब पूछ भी लो। अरे मेरा दांत, अरे बाप रे बाप, मर गया। ओ, ये भी उन्हीं का साथी है। देखते क्या हो, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अरे 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 क्या कर रहे हो भाई, मैं उनका साथी नहीं हूँ। अरे छोड़ दे। अरे अरे राम, कमर टूट गई। ये मेरा चना खा ले, ताकत को फिर से बुला ले, जो ढूंढे वही पा ले। ये बात है। हाँ। ले भाई, ये देखा है। अरे रे रे रे, उई। चना जोड़ गा रहा हूँ। अच्छा नमस्ते गुरु। चना जोड़ गा रहा हूँ। शाम को 5 बजे सेंट्रल स्टेशन पर बदमाशों का लीडर बाहर से वापस आ रहा है। लीडर सेंट्रल स्टेशन। अब तक गाड़ी नहीं आई, आती होगी। गाड़ी पूरी खाली हो गई, बॉस नहीं आए तो चलो चलो। सीआईडी था, मैंने खुद उसे तुम्हारा रुमाल उड़ाते हुए देखा है। अच्छा? हाँ, जब भी तो मैंने उसका सामना नहीं किया। मगर वो तो बिल्कुल बेवकूफ जान पड़ता था। कभी कभी खुद बेवकूफ बनकर ही दूसरों को बेवकूफ बनाया जाता है। अली बख्श, बहुत होशियार रहना, बल्कि मैं ये कहता हूँ तुम अपना मकान भी बदल दो। आपके आने की इतला सर्कस में राम सिंह को भी कर दी जाए। हाँ हाँ जरूर। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मकान जरूर बदल देना। ओके। किशोर जी, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। वो क्या? आपने जो कार के नंबर नोट किए थे ना। समझ गया, उससे बदमाशों का पता चल ही गया होगा, यही ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वो गाड़ी तो पुलिस ऑफिसर की थी। है? पुलिस ऑफिसर की? आपने लिखा था स्टेशन वेगन और वो निकली मोरिस गाड़ी। कैसी रही? मानता हूं भाई, बड़े चालाक है बदमाश। खैर कोई बात नहीं,
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मैं इस रुमाल से बहुत कुछ पता लगा सकता हूँ। कहीं ये रुमाल भी किसी पुलिस ऑफिसर का निकल ना आए। पॉसिबल। ये है धोबी घाट। बाप रे मरे। भैया ये घाट पर विश्वनाथ धोबी रहा तो का? विश्वनाथ धोबी हम ना है जानी थे दादा। वो देखा चौधरी बैठा है, वो सब जानी थे। अच्छा जयराम जी। जयराम जी दादा। कौन गांव से आवत? हरदोई जिला से भैया। हरदोई? हरदोई तो हमरे बेटवा का ससुरार है। बाबा का नाम है तुहार? पंचम। का काम है भैया? कहा बताओ चौधरी। यहाँ देखो ये निशानी की है। अरे सूरजू ये निशानी कह के रहा है चौधरी। ये निशानी तो भुलुआ की है। भुलुआ किया है? कहाँ है भुलुआ? बुला भुलुआ। हो भुलुआ हो। कहाँ है चौधरी जी? अरे यहाँ आओ। अभी आवत हूँ। अरे भुलुआ तो को ये भैया कब से ढूंढत है? मौका हाँ। कहाँ है भैया? बुला देखकर पता बता देना भैया का। तो चलिए जाओ बंसी चाल खुलिया नंबर 20 फूल वाली गली। बस बस बहुत मेहरबानी। अच्छा चौधरी चेहरा बंसी चाल। अच्छा तो ये है बंसी चाल। चाइना कापरा वाला चाइना सिल्क चाइना कापरा वाला मैम साहब चाइना सिल्क। उस्ताद उस्ताद नया चाइना मैन कौन टपक पड़ा? चाइना मैन हाँ। चाइना कापरा वाला पिलो कैसा? मुझे तो इस पे कुछ शक आता है। कहीं ये सीआईडी ना हो? हो सकता है। ये जरूर सीआईडी है। जाओ अपनी तैयारी करो। बहुत अच्छे चाइना कापरा वाला सब तैयार है। वेरी गुड। मैं जाता हूँ, इस पे नजर रखना। बहुत अच्छा। Thank you.
वेरी गुड, इससे ये तो साबित हो गया कि ये वही टोली है जिसने सर्कस से बच्चे को उड़ाया था। किशोर बहुत होशियार है ना, ये बदमाश इस बच्चे को भी उड़ाने की जरूर कोशिश करेंगे। मेरा भी यही ख्याल है। तो अली बख्श के यहाँ रेड किया जाए? जी नहीं, जब तक हम इस टोली के लीडर का पता ना लगा ले रेड ना करें। ऑलराइट, ये भी ठीक है, मगर किशोर सर्कस पर ज्यादा ध्यान रखना। ओके बॉस। अरे शांति शांति शांति, अरे शांति क्यों नहीं मानती, क्या बात है, क्यों नाराज है? मुझे एक घोड़ा चाहिए। अरे तो घोड़ा चाहिए ना, पहाड़ तो नहीं चाहिए। ये सर्कस है, यहाँ बहुत से घोड़े वाले हैं, किसी के पास घोड़ा मिलेगा मैं भी घोड़ा लाता हूँ। तुम कौन हो? रिंग मास्टर है। घोड़े वाला है, बहुत खुशी भाई। रिंग मास्टर, तुम्हारे पास घोड़ा है? हाँ है। हमारे शांति को एक घोड़ा चाहिए, मिलेगा? हाँ मिलेगा। रंगदार मिलेगा? रंगदार मिलेगा। तो हरा मंगाओ? हरा नहीं है। तो ब्लू मंगाओ? ब्लू नहीं है। तो फिर मोर के जैसा मंगाओ? वो भी नहीं है। तो फिर तुम्हारा पास कौन सा है? सफेद चलेगा? चलेगा। मंगाओ घोड़ा ले आओ। ये घोड़ा है? हाँ। भाई हमको नहीं मालूम घोड़े के मामले में, जरा हमारे भाई को बुलाएगा उसको सब मालूम है। क्या हुआ भाई? 300 रुपया। तेरे पास कितना है? 200 रुपया। 150 है भाई, हमको आधा घोड़ा दो। नहीं मिलेगा। आधा नहीं मिलेगा, हमको आधा मनता ही है। नहीं मिलेगा। अच्छा पूरा लेगा, ये घोड़ा कुछ काम करता है? जम मारता, भागता है, सब कुछ करता है। जम मारता? चलो जम बताओ। रिंग मास्टर, ये घोड़ा टांग तो नहीं तोड़ता है ना? नहीं, जाओ जाओ, नहीं तोड़ता है, ठीक है। ले जाओ घोड़ा। छोटे भाई डरो मत, उसको पकड़ो। टाइम लगा था, जल्दी करो ना यार। अरे मोती, ये तो वही होटल वाली है। मोती चलो चलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम लाला। कैसे? वालेकुम सलाम। जोड़े तरमा से खुशहाल है? तरमा से खुशहाल खुशहाल। बदमाश किधर गया? बदमाश किधर गया? ये किधर बदमाश किधर देखा तुमने? बताओ जल्दी बताओ। क्या हुआ? क्या मुझे? चलो पीछे चलो चलो चलो। यार यार क्या चुपा नहीं? चलो 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 चलो। साहब चोर चोर, शर्म नहीं आता तुमको? तुम पढ़ा लो कि हमारे यहाँ चोरी करता है?
लगा कुछ हम चोर नहीं, चोर भागती है। चोर भागती है और तुम गाड़ी में बैठ के उसको राजा की ये सब पकड़ती है। अरे बेशरम, उठ के पकड़ो, भागो पीछे। शर्म भी नहीं आती है गाड़ी में बैठ। टाइम आ गया। टाइम है तेरा, तेरे बाप का, समझाना। जवानी मेरे को क्या पहुँचा रहा है भाई? नहीं बाबा, आपका काम का टाइम हो गया। ओ, मेरे काम का टाइम हो गया, तो जल्दी जा। एक चोर है, उसका ख्याल रखना जरा। मैं भी चोर पकड़ता हूँ अभी। ये कौन है रमेश? प्रकाश बाबू, ये नया आदमी कौन है? ठहरो, मैं भी इसे पहले मर्तबा देख रहा हूँ। वो डाकू है, उसने मेरे कपड़े छीन लिए, पुलिस पकड़ ली। शर्म पकड़ो। अरे राम सिंह, ठहरो भाई, ठहरो जरा, बात तो सुनो। रहने दो, पब्लिक मजा ले रही। आइटम खत्म होने के बाद मेरे खाने में लिया ना। अच्छा, अरे भाई घबराओ नहीं, मेरे खूब प्रैक्टिस हो गई। वो देखो, कचरा कर रहा मालूम नहीं मेरा क्या होगा।
चलो चलो ठीक कर देता हूँ जो लुटेरा डाकू नहीं आप मगर तुम यहाँ कैसे टपक पड़े क्या बताऊं साहब आया था नौकरी के लिए ये भाई लोग की मेहरबानी से यहाँ तक पहुँच गया फिजूल बोला एक तो हमारे सर्कस में भगत टिकट घुसाया मेरा मेकअप भी किया मेरा ड्रेस भी पहना और ऊपर से मेरा गला भी दबाया मेरा काम भी किया अरे भोलू ये तो वही है कौन है होटल वाला नहीं नहीं होटल अच्छा अरे आते चुप अरे हाँ ये तो वही है बुजदिल तुम्हारे हाथ का मार खाओ इससे पहले किसी सर्कस में काम करते थे हाँ साहब मैं जापानी सर्कस में काम करता था और मेरा कुत्ता भी काम करता है मेरा मोती आओ बेटा ये रहा मेरा मोती चलो बेटा जरा काम दिखाओ आओ आओ चलो डांस करो इधर 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 डांस करो डांस करो डांस करो डांस करो इधर 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 बैठ इधर चलो 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 आ जाओ आओ आओ अपना अपना वो काम दिखाइए चलिए 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 जल्दी अरे मेरा बटवा अरे वो चोर लोग तुमने मेरा बटवा चुरा लिए मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा अरे नहीं साहब हम तुम्हें देने आए थे अरे वाह उस्ताद वाह जब मेरी नजर पड़ी तो कहते तुम्हें देने आए थे सरकार ये चोर इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए खामोश राम सिंह जी इसे नौकर रख लिया जाए मगर साहब ये हाँ हाँ जो कुछ था मैंने आग से देख लिया है इसे वही काम दिया जाए जो आज के शो में इसने किया था मगर ये बुद्धू क्या काम करेगा बुद्धू इसने पब्लिक का बहुत खुश किया है और बड़ा काम का आदमी है सुना अबे चौक दूंगा तो झापर हट हट अबे नसीब मत मार अबे क्या बोलता हूं ओहो दिल वाले We'll be right back.
बाबू, जितना लगाने का लगाइए। ये लगाया 13। मेरा पैसा 14 पर। लगाइए भाई लोग, आप भी लगाइए। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर हार्ड लग रमेश बाबू। हेलो हेलो, क्या हाल है रमेश का? ए टू जेड। अच्छा, ए टू जेड, वेरी गुड वेरी गुड। ए टू जेड? यस, ए टू जेड। नमस्ते शेखर बाबू। समझ गया इस नमस्ते का मकसद। रमेश, जुआ तबाही और बर्बादी का रास्ता दिखाता है। तुम खुद बर्बाद हो जाओगे और साथ ही साथ अपने पिताजी को भी तबाह हो बर्बाद कर दोगे। जरा सोचिए तो, अगर पिताजी को यह मालूम हो जाए कि मेरा बेटा जुआरी है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? या तुम्हारी मोहिनी को यह मालूम हो जाए तो कितने आंसू बहाएगी? बस बस शेखर बाबू, अभी 5,000 रुपए और दे दीजिए, फिर जुआ कभी नहीं खेलूंगा। सिवा आज के। शाबाश, ये लो रुपया। समझाना मेरा फर्ज है, आगे मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। ये लो। थैंक यू। रमेश, जरा इस पर दस्तखत तो किए जाओ। कड़कती धूप ना देखी, कभी ना देखी छाँव, कभी ना देखी छाँव। कभी कड़कती धूप ना देखी, कभी ना देखी छाँव, कभी ना देखी छाँव। ओ, कभी ना हमने हिम्मत हारी, कभी ना उखड़े पाँव, कभी ना हमने हिम्मत हारी, कभी ना हमने हिम्मत हारी, कभी ना उखड़े पाँव। मेहनत करके अपना जीवन ना बनाना सीखा। हो 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 हो, ला 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 ला।
धरती पे लाखों सुख के महल बसाए, सुख के महल बसाए। सागर को मुट्ठी में बांधा पर्वत से टकराए, ओ सागर को मुट्ठी में बांधा पर्वत से टकराए। सागर को मुट्ठी में बांधा पर्वत से टकराए, हमने चांद सितारों में भी आना जाना सीखा। हो 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 हवा में हमने भी चलाना सीखा। नहीं जाता, एक शेर साहब फरमाते हैं, दिल में क्या है कहा नहीं जाता, दूर तुमसे रहा नहीं जाता। तो एक दिन मर ही जाओगे, तो यहाँ कौन चटनी का जिंदा है। एहे, मरने वाले की शक्ल तो देखो। अरे अभी भी मेरी शक्ल क्या बुरी है, इस उम्र में भी जब मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ तो मुझे कहती बेटा चंदा, ओ चंदा, ए चंदा 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 मोहिनी, अगर चंदा की शक्ल ना देखी हो तो देख लो। देखो इसमें क्या है। ओहो माफ करो। अरे मोहनी यहाँ कहाँ, मोहनी तो ठंडी ठंडी सांसें भरकर रमेश को बुला रही है। फरमाते हैं एक शायर साहब कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, और जब जरा गर्दन झुका ली देख ली, जब जरा गर्दन झुका ली देख ली, जब जरा गर्दन झुका ली देख ली। सर्कस की प्रैक्टिस हो रही है या नाटक की, बोलो। सेठ जी दरअसल बात यह है कि मैं कल गया था सिनेमा हातम था ना, उसमें तो मैडम शांति ने पूछा कि उसका एक सीन बता, तो मैं एक सीन बता रहा था। क्यों शांति, हराम मैंने कहा। चलो काम करो। सुरेंद्र कहाँ है? हो रहा हाँ। मेरी टांग। अबे ओ इधर देखता है, उधर देखता है। नमस्ते सेठ। सुरेंद्र जी, आज तुमने शेरों के साथ प्रैक्टिस की थी? जी नहीं सेठ साहब, बात ये थी मुझे आज सुस्ती आ रही है। सुस्ती काम न करने से ही तो आती है जी। उषा इनको प्रैक्टिस दिला दो। चलिए मिस्टर। कहाँ मैडम? शेरों के पिंजरे में। शेरों के पिंजरे में? अरे बाप रे मैडम, मैं अभी मरना नहीं चाहता। नौकरी की है तो काम भी करना होगा। अच्छा बेटा मोती, तुम यही ठहरो। चलो चलिए। नहीं मैं चोर नहीं हूँ, ना मैं दीवाना हूँ, ना पागल हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी वोकरी यहाँ कुछ नहीं है। ठहरो ठहरो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नौकरी चाहिए। क्या जानते? मैं एक शीशे में दो सूरतें बताता हूँ, मतलब ये है कि देवदास में दिलीप कुमार को और देवदास में योनी वॉकर। अच्छा अच्छा, तो लीजिए सुनिए, देवदास में दिलीप कुमार। जरा गिलास। कौन कहता है कमबख्त के होश नहीं है, कुछ होश बाकी है चंद्रमुखी, थोड़ी सी शराब और दे दो, अगर शराब नहीं पीऊंगा तो यहां कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। लोग दिन के उजाले में कालक चूना मलते हैं, नाटक करते हैं, और तुम भी नाटक करती हो। इतनी पीता हूं कि सांस ले सकूं। तुम रो रही हो चंद्रमुखी, तुम तो पारो नहीं हो,
फिर क्यों रोती हो? मैं एक शराबी और तुम, ये भी होने दो। वाह क्या बात है। लीजिए सेठ जी, उसी देवदास को जॉनी वॉकर में देखिए। कौन कहता है कमबख्त के होश नहीं है? कुछ होश बाकी है, थोड़ी सी नौटाक और। लोग दिन के उजाले में कालक चूना मलते हैं, नाटक करते हैं, और तुम भी नाटक करती हो। देखो उस्ताद, काटने का धंधा मत करना। तुम रो रही हो? तुम तो पारो नहीं हो, फिर क्यों रोती हो? मैं एक शराबी और तुम बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जवाब नहीं है भाई। भाई वाह, भाई वाह, क्या कहने। इन नौकरी राम सिंह जी, इन्हें नौकर रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। उषा देवी, मैंने कहता था कि रईस खानदान का लड़का है, बड़े खानदान का लड़का है, इसकी खिदमत करो, इसकी सेवा। हाँ सेवा, हाँ सेवा, बच्चा शरीफ है। उषा देवी, इसके 10,000 रुपए आप मत लीजिएगा मुझे। हाँ हाँ, तू ही ले लेना, इस तरह हाथ दिखा। हाँ बताता, ये देखिए, नाम सुंदर, इसका भी नाम सुंदर, गोल चेहरा, इसका भी गोल चेहरा, सर पे घूंघर वाले बाल, इसके भी सर पे घूंघर वाले बाल, और देखिए इसके हाथ में बदक, ये देखिए बदक। बिल्कुल ठीक, यही है, अभी तार कर दो उसके पिता को। कितने खुश हो जाएंगे इसके माता पिता। शांति, तुम पुलिस को फोन करो। नहीं नहीं नहीं, कोई फोन मत करो, कोई कुछ मत करो, मैं तार भी कर लूंगा और फोन भी कर लूंगा, ये मेरा काम है। क्यों बच्चे? हाँ। क्या शरीफ खानदान का बेचारा। मिस्टर भोलू। हाँ जी। बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुम्हें भी मिठाई खिलाऊंगा। किस बात की भाई, तुम्हें नहीं पता क्या? ये बच्चा है ना, बच्चा। हाँ हाँ हाँ। वो अपने काम करता है, छजुंदर वो बच्चा। हाँ 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 हाँ। उसका बाप लिखता है कि जिसके पास ये बच्चा होगा उसको 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, लिहाजा मैं उसके बाप को तार करने जा रहा हूँ। मैं तो उसी तरफ जा रहा हूँ। यानी आप तार ऑफिस तरफ जा रहे हैं? तो आप तो इंग्लिश पढ़े लिखे। और एक काम कीजिएगा, उसके बाप को लिखिए कि आपका बच्चा मिल चुका है, पैसे 10,000 रुपए लाइए, प्रताप सर्कस में आइए, मिस्टर भोलू राम से मिलिए, पैसे उसको दीजिए और अपना बच्चा ले जाइए। जरूर, मगर पता वगैरह भी इसमें है कि नहीं? पता अखबार में। हाँ बस, तो फिर ठीक है, मैं अभी टेलीग्राम की देता हूँ। अरे साहब, अब तो आपसे भी बड़े बड़े मेरा काम करेंगे। हेलो, कौन? राम सिंह। क्या कहा? वही बच्चा? हाँ हाँ, इश्तिहार में तो मैंने भी पढ़ा है। 10,000 तो क्या, 50,000 रुपया वसूल कर सकता हूँ। अच्छा मैं अभी आता हूँ, बच्चा हाथ से जाने ना पाए। सुना तुम लोगों ने, वो बच्चा सर्कस में है। गुड लक बॉस, लक्ष्मी देवी हम पे मेहरबान मालूम होती हैं। तुम लोग यही मेरा इंतजार करो, मैं सर्कस जाके आता हूँ। ओके। रमेश, तुम पास नहीं होते, मुझे सारी दुनिया वीरानी नजर आती है। सच कहते हो रमेश? हाँ, देखा शरीफ कहीं की प्रेम की देवी। नमस्ते। लोग कहते हैं प्रेम में बड़ा मजा आता है, मगर यहाँ तो तमाचे मिलते हैं। माफ कर दीजिए, मैं तो समझी शांति है। कैसे माफ कर दूं? ये मुस्कुराहट तो और भी दिल में चुटकियां ले रही है।
हम तुमसे पूछते हैं सच सच हमें बताना, क्या तुमको आ गया है दिल लेके मुस्कुराना, दिल लेके मुस्कुराना। हम तुमसे पूछते हैं सच सच हमें बताना, आंखों ने तुमको देखा दिल क्यों हुआ निशाना, दिल क्यों हुआ निशाना। मोहब्बत हम तुम जहाँ रहेंगे, होगी वहाँ मोहब्बत हम तुम जहाँ रहेंगे। गाएंगे मिलके नजरें उम्मीद का तराना, क्या तुमको आ गया है दिल लेके मुस्कुराना, दिल लेके मुस्कुराना। हम तुमसे पूछते हैं सच सच हमें बताना, आँखों ने तुमको देखा दिल क्यों हुआ निशाना, दिल क्यों हुआ निशाना। मस्ती भरी निगाहें शर्मा के फिर झुका दे, मस्ती भरी निगाहें शर्मा के फिर झुका दे, दिल को चुराने वाले चुपके से मुस्कुरा दे, दिल को चुराने वाले चुपके से मुस्कुरा दे। दुनिया सुना रही है कब से यही फसाना, आंखों ने तुमको देखा दिल क्यों हुआ निशाना, दिल क्यों हुआ निशाना। पूछते हैं सच सच हमें बताना, क्या तुमको आ गया है दिल लेके मुस्कुराना, दिल लेके मुस्कुराना। मोहिनी कब तक हमसे भागती रहोगी? रमेश दिल का हाल जबान से ना कहलवा, माफ कीजिए मेरा आना ऐसा हुआ जैसे डाल पर बैठे पंछी के जोड़े पर पत्थर मार दिया हो। नहीं शेखर बाबू। रमेश बाबू, प्रकाश बाबू बुला रहे हैं आपको। मैं अब भी आता हूँ शेखर बाबू। मोहिनी तुम्हारी आंखों में सचमुच मोहिनी है जिसे देखकर हर शख्स अपने दिल निचावर करने को तैयार हो जाए। शेखर बाबू काश मैं रमेश जैसा खुशनसीब होता तो तुम्हें जमीन पर पैर भी नहीं रखने देता। शेखर बाबू आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? जानता हूँ तुम्हारे दिल में रमेश बसा हुआ है मगर तुम्हारा प्यार रमेश के सुधारने में कामयाब नहीं हुआ। तो उनमें बुराई क्या है? तुमको छोड़कर दिन दिन भर बदमाशों के साथ जुआ खेलना अगर अच्छी बात है तो तुमको मुबारक। बिल्कुल झूठ। आज का झूठ कल सच बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। चल 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 जंप जंप। देखा हमने तेरी मदद को कैसा कूदना सिखा दिया। उषा देवी ये आपको बच्चा पालने का कब से शौक पड़ा है? ये तो एक्सीडेंट से आ गया, आपने अखबार में नहीं पढ़ा? वो 10,000 रुपया इनाम वाला? जी हाँ। तब तो आपको 10,000 रुपया मिलने की मुबारकबाद देता हूँ। ए भाई जरा इस तरफ मुंह करके मुंह। क्यों? अच्छा भाई तुम्हें मुबारक हो। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। अच्छा नमस्ते जाइए। चलो भाई चलो धंधे से शुरू, चलो चलो धंधा शुरू, चलो चलो जल्दी करो, चलो पीछे चलो चलो। राम सिंह अच्छा तो वही है। अच्छा अभी तो मैंने आपको टेलीफोन किया तो मैं आज ही उसे उड़ाने की कोशिश करता हूँ मगर होशियारी से बेफिक्र रहो।
राम सिंह, ये आदमी कौन है? ये अब ये नया नया नौकर हुआ है। अच्छा, खैर तुम जरा तैयार रहना, मैं आज ही अपने आदमी को भेजता हूँ। बच्चे को उठा लो मगर होशियारी से। मेरा दोस्त बगदद, ये पापे इधर। चलो 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 चलो
से इस रास्ते से क्या होंगे? ठीक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्या ठीक है? ये रास्ता चलो। Thank you.
उषा देवी। उषा देवी, उषा देवी, अरे तुम अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? मुझे किसने बचाया? तुम्हें बचाया? किसने बचाया? मेरे से और तुम्हें कौन बचा सकता? मैंने बचाया। मगर उसके मुंह पर कपड़ा था। कपड़ा था? मेरे मुंह पर कपड़ा था? था था, मेरे मुंह कपड़ा था। तो गई आंटी के पास जाता। उस्ताद आ गए। उस्ताद आ गए। शाबाश, ले आए से? जी हाँ उस्ताद। मगर सुरेंद्र उषा का क्या हुआ? सुरेंद्र तो हमारा पीछा नहीं कर रहा था, मगर उषा देवी को मारकर हमने खाई में गिरा दिया। मगर राम सिंह ने खबर दी थी कि भोलू और सुरेंद्र मोटरसाइकिल पे पीछा करने निकले हैं। भोलू और सुरेंद्र तो अपना पीछा नहीं कर रहे थे। नहीं, तो नहीं उस्ताद। खैर कोई बात नहीं, हमें बच्चे को लेकर यहाँ से फौरन गायब हो जाना चाहिए। सुरेंद्र यहाँ जरूर आएगा। बहुत अच्छा। हाथ तुम बचा रखी थी बदमाश ने। हेलो। हेलो। नमस्ते, कहिए बॉस। नमस्ते, बच्चा कहाँ है? बच्चा यहाँ पर है और हमने सुरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। शाबाश। और उषा? उषा को हमारे आदमी ने खाई में गिराकर खत्म कर दिया है। तब सुरेंद्र को भी खत्म कर दो और बच्चे को लेकर अड्डे पे चले आओ। ओके बॉस। बच्चे को लेकर जाता हूं, तुम इसका खात्मा कर दो। बहुत अच्छी। सुरेंद्र, तुम्हें 30 सेकंड दिए जाते हैं, सिर्फ 30 सेकंड। Thank you.
25 सेकंड। लक्की हो तुम जो बदमाशों से बचकर निकल आए। आपकी दुआ से। हाँ तो तुम पर किसी ने सीआईडी होने का शक तो नहीं किया ना? जी नहीं, वो सिर्फ मेरा सर्कस का नाम जान गए। तुम बच्चे को अपने साथ ले आते तो बहुत अच्छा होता। आपका ख्याल ठीक है, मगर ये चाहता हूँ मैं कि सब बदमाश साथ गिरफ्तार हो जाए और जब ही हो सकता है कि बच्चा उनके पास। ठीक है, याद रखो कि वो बदमाश किसी से कम होशियार नहीं है। इसमें मेरा क्या कुसूर है? बात तो सुनो, जिसने कुसूर किया वो बदमाश और बदमाशों के। बैठो। नमस्ते। नमस्ते। आई एम वेरी सॉरी इंस्पेक्टर साहब, इस बेवकूफ की वजह से बच्चे को बदमाश उठा ले गए, यही कहने आई हो ना? अरे वाह, आज पता चला कि पुलिस वाले ज्योतिष भी जानते हैं। बको मत। बैठिए। मुझे अफसोस है कि बच्चे की हिफाजत न कर सकी। आपकी कोई गलती नहीं, बदमाश बहुत चालाक है। आप यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमने बदमाशों का बहुत पीछा किया, यहाँ तक कि हमारी सर्कस को इनकी जिंदगी खतरे में आ गई, लेकिन भगवान भला करे उस दिलेर का जिसने मौके पर आकर आपकी जान बचाई। क्या कहा तुमने, मुझे नहीं बचाया? नहीं, वो तो मैं फेंकता था, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ सच बोलना चाहिए। वेरी गुड। अरे उषा देवी, इंस्पेक्टर साहब ने कहा वेरी और गुड। चलो चलो। ठहरो, आप जा सकती हैं, हम बच्चे को बदमाशों से बहुत जल्द छुड़ा लेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम आप लोगों को भी बुला लेंगे। जरूर। नहीं, आप लोग मत कहिए, आप तशरीफ ला सकती हैं, मैं नहीं आ सकता। चलो। लेकिन अभी हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है, बात तो सुनो। वाकई सर्कस क्वीन बहादुर है, उसने हमारा बहुत साथ दिया। ओ अच्छा, ये तो बताइए बच्चे के बाप को लेटर कब डाल रहे हो? आज, बल्कि अभी। इसके पिताजी को चिट्ठी लिख दो कि 10,000 रुपया लेकर यहाँ आ जाए और अपने लड़के को ले जाए। ओके बॉस। और हाँ, साथ ही साथ ये भी लिख देना कि अगर तुमने जरा भी पुलिस को खबर देने की कोशिश की तो लड़का तो क्या, अपनी लड़की से भी हाथ धोना पड़ेगा। राइट बॉस। चिट्ठी आई है, लिखा है सुंदर का पता मिल गया। दूसरे आदमी की चिट्ठी आई है, लो पढ़ो। लिखा है इनाम के रुपये लेके आ जाइए, आपका सुंदर हमारे पास है, मगर पुलिस को खबर की तो याद रहे लड़की से भी हाथ धोना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तब तो अपना सुंदर उनके ही पास है। मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा गजब न करना, बच्चों से रुपये प्यारे नहीं है। आप चुपके से जाके रुपये दे दो और सुंदर को ले आओ। अच्छी बात।
लीजिए हजरात, अब आप चार मशहूर कॉमेडियन को एक साथ सुनिए। वो हैं जॉनी वाकर, राधा किशन, ओम प्रकाश और सुंदर। अब आप चारों को एक साथ सुनिए। हेलो राधे जी। मैंने कहा नमस्ते। चाहे तेरी, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? असल बात तो ये है, अपने लिए जब भी डायलॉग लिखो तो कम से कम नौटक वाली बात हो जाए। अरे क्या डायलॉग की बात कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। वैसे डायलॉग तो मैं लिखता हूँ, नाम तो किसी और का आता है। लीजिए ओम प्रकाश जी। क्या बात है, कमाल है, हजार बरस जी हो चाचा जिंदाबाद। अपनी तो गेट पे भिंडे तैयार हो गई, अब तो चाचा जिंदाबाद बना रहे हैं। कहो राधा जी क्या बात है। अरे क्या राधा जी की बात कर रहे हो, बैठो ठंडा वंडा पियोगे। कमाल है, ठंडे की बात कर रहे हो, पहले करो हाँ ठंडे की बात कर रहे हो। है ये बात हुई। अरे लीजिए ओ सुंदर जी, चले आओ सुंदर, चले आओ सुंदर, चले आओ। कमाल है भैया, क्या हो रहा है, कैसे हो, ठीक है ना भैया? मैं तो अपने डायलॉग लिखवाने के लिए चले आया था, मेरे लिए कुछ मजेदार डायलॉग हो जाए, समझे भैया? अच्छा मैं चलूं। अरे चाहे तेरी, क्या डायलॉग की बात कर रहे, चले जाओ यहाँ से। ये खेल का ड्रेस पहन कर तू लचक 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 करते हुए कहाँ कर जा रही? अरे मैं पूछती हूँ कि तू आदमी है क्या छाया जो मेरे पीछे पीछे फिरता है? माफ करना मैडम, लेडीज फर्स्ट, इसलिए मैं आपके आगे नहीं बल्कि पीछे चलता हूँ। इसको कहते हैं इटिकेट। अरे वारे तेरा एटिकेट। एक बार सुनो सरकार, मेरा दिल धक 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 धक, मेरा दिल धक 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 धक, मेरा दिल धक धक करता है। सौ बार कहा बेकार, सौ बार कहा बेकार, बता
मछली तेरी आंखों में बल खाए हैं। देख के जिसको दिल का बगला वश खा के गिर जाए हैं। अजब है इसकी हालत, ये ना जीता है ना मरता है। बता क्यों बक 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 बक, बता क्यों बक बक करता है। मेरा दिल धक 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 धक, मेरा दिल धक धक करता है। दिल को धोबी के पाटे पर साबुन से धुलवाया है। पटक पटक कर इस पर तेरे प्यार का रंग चढ़ाया है। देख ले बिल्कुल साफ है जैसे शीशा लक लक करता है। बता क्यों बक 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 बक, बता क्यों बक बक करता है। एक बार सुनो सरकार, मेरा दिल धक 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 धक, मेरा दिल धक 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 धक, मेरा दिल धक धक करता है। तो बार कहा बेकार, तो बार कहा बेकार, बता क्यों बक 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 बक, बता क्यों बक बक करता है। शांति शांति शांति, ये मेरा कान असली है, प्लास्टिक का नहीं है। अरे अब तो तुझे प्लास्टिक के कान लगवाने पड़ेंगे। ओहो, तो क्या मुझे पूरा प्लास्टिक का बनाएगी? चल तुझे बता। चलता हूँ चलता हूँ। भाई रमेश, एक दो रोज में इंतजाम करके मेरा कर्ज अदा कर दीजिए। मुझे ये उम्मीद न थी कि आप इतने जल्दी तकाजा कर बैठेंगे। मैं भी मजबूर हूँ, मेरे पार्टनर ने मुझे परेशान कर रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें मना करता था कि जुए की आदत छोड़ दो। उधार एक ऐसी छुरी है जो दोस्ती का ही गला काटती है। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। नाराज हो गए? अच्छा तो आज होटल में आओगे? जी नहीं। नहीं नहीं, जरूर आना। भाई रमेश, मैं भी मजबूर हूं, आना जरूर। आंखों में आंसू? काश ये आंसू तुम्हारी परेशानी धो सकते हैं। मगर मैं तो परेशान नहीं हूं। माफ करना, मैं सब कुछ सुन चुकी हूं। रमेश, मेरे पास 10,000 के जेवर हैं, तुम इन्हें चुपके से बेचकर अपना कर्ज अदा कर दो। मगर मैं इतना जलील नहीं हूं कि तुम्हारे जेवर बेच के अपना कर्ज अदा करूं। तुम्हारी इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश, रमेश,
क्या तुम मुझसे नाराज हो गए? नहीं मोहिनी, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अभी जाने दो। अरे तू रो रही है? पूछा, रमेश बाबू बहुत दुखी है। उन्होंने शेखर से कुछ रुपया उधार लिया है। मगर रमेश को शेखर बाबू से उधार लेने की क्या जरूरत थी? शेखर बाबू एक दिन कह रहे थे कि रमेश बदमाशों की सोबत में जुआ खेलने लगा है। परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलो, खेल के टाइम हो गया। Thank you.
रमेश के दस्तखत किए हुए पर्चे पर बड़ी रकम लिखकर उसे धौंस दी जाए। धौंस क्यों दी जाए? रुपया ही क्यों ना वसूल किया जाए? ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरा रमेश जुआरी बन जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मेरी एक भी न मानी, बल्कि जिद करके मुझसे उधार लेते रहे। लेकिन ये तो आपको मुझे शुरू में कहना चाहिए था, उल्टा उधार देकर और उसकी कीमत बढ़ा दी आपने। खैर, मैं रमेश से जरा बात कर लूं, फिर आपके रुपयों का बंदोबस्त हो जाएगा। बहुत बेहतर। रमेश, क्या बेटे का यही फर्ज है कि बाप की दौलत और इज्जत को नीलाम चढ़ा दे? जी पिताजी, मुझसे ऐसी गलती हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ। काश तुम जुआ खेलने से पहले ये सोच लेते कि तुम्हारे पिता ने 20,000 रुपए कितनी मेहनत से कमाए होंगे। पिताजी, 20,000 नहीं, मैंने सिर्फ 5,000 लिए हैं। मगर शेखर बाबू के पास तुम्हारे दस्तखत किए हुए 20,000 रुपयों की रसीदें मौजूद हैं। वो झूठे हैं, वो बेईमान है। इसका फैसला मुझे अब भी करना होगा। रमेश, उषा देवी, गजब हो गया। क्या हुआ? रमेश शेखर के साथ झगड़ा करने गया है। झगड़ा? हाँ, रमेश कहता है कि मैंने सिर्फ 5,000 उधार लिए और शेखर कहता है कि नहीं 20,000। ओ बाप, 20, 5 चौक 20, ओ खबीस। लेकिन कहाँ गया वो? रीस होटल। रीस होटल, चलो बोलो। हाँ। जरूर कुछ गड़बड़ है। डेफिनेटली गड़बड़। चल लीजिए, हट जाना, हट जाना। अरे मैडम, ये भंड टंग के कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रहे हैं, पिकनिक को जा रहे हैं। अरे ठहर ठहर, मैं जाता हूँ। चलो। नहीं रे बाबा, ये तो वही होटल है जहाँ मैं पीता गया था। तू तो 10-20 से अकेला मुकाबला करने वाला था, होटल का बोर्ड देख के डर गया। छोड़ो भी, ये तो बुजदिल है। रमेश, आज कुछ घबराए हुए मालूम होते हो। क्यों, क्या बात है? शेखर बाबू कहाँ है? अभी आए नहीं। मैं उससे आज मिलकर ही जाऊंगा। बैठो तो सही, कोई खास काम है तुम्हें? हाँ, तुम्हारे शेखर बाबू मुझे 5,000 रुपया देकर 20,000 रुपए वसूल करना चाहता है। तो 20,000 रुपया आपने लिया होगा? हरगिज नहीं, वो सरासर बेईमान है। जरा इस्ता बोलो। मैं किसी से डरता नहीं हूँ और आज मैं उससे फैसला करके ही जाऊंगा। Thank you.
था शेखर बाबू से, अब बेईमानी छोड़ दे। हाँ, वरना इससे भी बुरा अंजाम होगा। देख लेंगे। अब तो जेल देखना, जेल। हाँ। समझे? यार वो लाल गोंडे की टोपी वाला मेरा दोस्त कहाँ गया? उसने हमारी बहुत मदद की। वाकई वो बहादुर था? बेशक, उसमें क्या शक है, वो बहादुर था ही। इसकी तरह बुजदिल थोड़ा ही था। जा, वाकई तुम सर्कस क्वीन हो। मैं बाहर से सब कुछ देख रहा था। दे मार, दे मार, दे मार। तो चूड़ियां पहन, चूड़ियां। चूड़ियां? अच्छा, चूड़ियां पहनूंगा। शट अप, चलो बोलो। चलो। हाँ तो किशोर, मैं आज ही सुबह की गाड़ी से उस बच्चे के बाप से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा भाई, वो किसी तरह राजी नहीं होता, बल्कि उल्टा पुलिस पर इल्जाम लगाता है। पुलिस पर इल्जाम लगाता? वो कैसे? वो कहता है कि पुलिस सिर्फ देखने के लिए है, कर कुछ भी नहीं सकती। वो बेचारे, हमारी मजबूरियां क्या जाने। और क्या, खुद ही वो लोग बड़े से बड़ा इनाम मुकरर करके बदमाशों को लूटने की दावत देते हैं। बदमाश सबसे पहले ये धौंस देते हैं कि अगर तुमने पुलिस में खबर दी तो हमेशा के लिए बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। जब माता पिता ही हमारा साथ ना दें, उल्टा हमसे छुपाए, तो पुलिस क्या करे? हमें हिम्मत ना हारनी चाहिए। ये है बच्चे का बाप, जो आज शाम को 5 बजे की गाड़ी से आ रहा है। स्वामी, टैक्सी मांगता? टैक्सी मांगता, अभी लाता। स्वामी, टैक्सी। अच्छे होटल में ले चलो। अच्छा होटल है? अच्छा होटल है। हाँ स्वामी, रॉयल होटल है, वेरी गुड होटल है। हाँ ड्राइवर, रॉयल होटल है। स्वामी, इधर रॉयल होटल है, रूम्बा वेरी गुड है। स्वामी वेरी गुड होटल है। स्वामी बक्सी सा है ना? स्वामी बक्सी दिल्ले। बोला इस जगह पर अपना नाम और पता लिखिए। ये चाबी लो और साहब को 20 नंबर के कमरे में ले जाओ। चलिए साहब।
दरवाजा बंद करो। अभी तक तो अपना प्लान कामयाब रहा। वेरी गुड, मेरा इंतजाम भी पूरा है। ये देखो, अगर टेलीफोन पर बातचीत हुई तो हमें इस रिकॉर्डिंग के जरिए से बदमाशों को गिरफ्तार करने में आसानी होगी। गुड आइडिया। तुम टेलीफोन पर जाओ और जैसे घंटी बजे मुझे फौरन इशारा करो। ओके। ए, मैं घर जाता। ठहर जा, बैठ इधर। तेरे पिताजी आएंगे, उनके साथ जाना। हेलो, मैं बॉस बोल रहा हूं। क्या कहा? सेठ हीरालाल जी आ गए? कहां? रॉयल होटल। हाँ हाँ, रूम नंबर 20। वेरी गुड, रॉयल होटल 67339। थैंक यू। कौन है? मैं हीरालाल जबलपुर वाला हूँ। मैं मिस्टर एक्स हूँ। मिस्टर एक्स? नहीं, मैं पुलिस को खबर नहीं करूंगा। अच्छी बात है, मेरे दो आदमी आते हैं, आप उनके साथ पैसे लेके चले आइए। अच्छा, और वो अपना नाम मिस्टर एक्स बताएंगे। मिस्टर एक्स, बहुत अच्छा। के लिए बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, मैं पुलिस को खबर नहीं करूंगा। अच्छी बात है, मेरे दो आदमी आते हैं, आप उनके साथ पैसे लेके चले आइए। अच्छा, और वो अपना नाम मिस्टर एक्स बताएंगे। मिस्टर एक्स? सुन लिया सेठ जी, हम पुलिस वाले हैं। आपके बच्चे को बदमाशों से छुड़ाना और उनको सजा देना ये पुलिस का फर्ज है, और हमारी मदद करना ये आपका भी फर्ज है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। किशोर? यस सर। कितना टाइम लगेगा? अभी तैयार हो जाएगा। जल्दी जल्दी। मेरी जैसी लगती है जी। आप अपने कपड़े दे दीजिए, हम अपने जान की बाजी लगाकर आपके बच्चे को बचा कर ले आएंगे। लाइए, इसमें रुपए है ना। मगर ये रुपए? घबराइए नहीं, ये रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। ये रुपए पुलिस के हाथ में रहेंगे, चोरों के हाथ नहीं। लोग आ गए। बॉस, ये चिट्ठी उषा देवी को मोती के जरिए भेज दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू।
मिस्टर एफ। उषा देवी, सुंदर बच्चे की जान बचानी हो और पुलिस की मदद करके बदमाशों की गिरफ्तारी मंजूर, तो ये चिट्ठी पाते ही भूत बंगले के पास आ जाओ। भूत बंगला? हाँ, और बच्चे को सर्कस से उड़ाने वाला और रमेश की जान लेने की कोशिश करने वाला राम सिंह रंग मास्टर है। रिंग मास्टर? हाँ, रिंग मास्टर है, माफ करना। उसे फौरन गिरफ्तार कर लो, वक्त जाया न करना। तुम्हारा सुरेंद्र, ओहो, तो ये भी बदमाशों का साथी है, राम सिंह। चलो पहले उसे गिरफ्तार करें। चलो 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 चलो, राम सिंह को गिरफ्तार कर लो। हाँ। मैं जाती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, और घबराना नहीं, मैं भी अपनी फौज लेकर आता हूँ। चलो कहाँ चले मिस्टर? जरा बाहर जा रहा हूँ। ये नहीं, आपको अंदर रहना होगा। क्या मतलब? मतलब जरा समझा। ये मतलब ये रस्सी है ना, ये छोड़ो छोड़ो। तुम अपनी बके जाओ, हम अपना काम करेंगे, क्या समझे? क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोग सचमुच पागल हो गए हो। ये तो भगवान जाने। आप इसे तशरीफ लाई, आई आई बैठो बैठो। अरे बैठो तो, हेलो, जब तक मैं आ ना जाऊं, इनकी अच्छी तरह खातिर करना। बहुत अच्छे। बाय बाय। आधा वर्दी, आधा वर्दी, आधा वर्दी। सेठ जी, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा तो यही है, लेकिन आप रुपया लाए हैं? लाया, मगर मेरा मुन्ना कहाँ है? मुन्ना तो यही है सेठ जी, घबराइए नहीं। अली बस, जरा अच्छी तरह देख लो, कहीं इसमें निशान तो नहीं है। ओके बॉस। सब ठीक है बॉस। जाने, बच्चे को ले आओ। सुंदर बाप जी, मेरे लाल और बच्चे। बाप जी, मैं मुझे निकल गई। बाप जी, आप हैं मिस्टर सुरेंद्र? सुरेंद्र, तुम्हारी ये हिम्मत, ये चालाकी शेखर से मुकाबला करना सर्कस का खेल समझा था बेवकूफ। अच्छा, बच्चे चुराना अपनी बहादुरी समझता है? खामोश, मैं जानता हूँ कि तेरा जिंदगी से दिल भर गया है, जो मुझसे जबान लड़ाकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। अब तू नहीं, तेरी लाश यहाँ से जाएगी। Thank you.
दे दो। किशोर नहीं सुरेंद्र है। सुरेंद्र नहीं हाँ। मिस्टर किशोर सीआईडी। सीआईडी गुड मॉर्निंग सर। किशोर सीआईडी। नमस्ते उषा देवी। नमस्ते। ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? आइए ये सब मैं बाद में समझाऊंगा। आइए ले चलो इन बदमाशों को। सबसे पहले सुप्रिंटेंडेंट साहब से अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ये 10,000 रुपया उषा देवी को इनाम में देता हूँ। क्या कर रहे हैं आप साहब? ये 10,000 रुपया तो उषा देवी ने मुझे देने का वादा किया। जी हाँ, ये रुपया इसको मिलना चाहिए। थैंक यू क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी? और मैं भी अपने सर्कस की इज्जत और नाम बढ़ाने वाले सर्कस को इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ये तेरे क्या काम आएगा पागल? देख इस पैसे से मैं एक बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा। दुश्मन आया। ओ मेरे बाप, अरे गिरा दिया मुझे। अरे फिर मुझे बचाओ, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे मुझे नहीं बचाओ, ये मुझे मार डालेगा घुमा घुमा कर। अरे मैं मर गया। अरे कोई आओ, अरे कोई दौड़ो, अरे कोई मुझे बचाओ। अरे 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 मेरा सर, अरे मेरा हाथ, अरे मेरा ना, मेरे बाप, ओ मेरे बाप, मेरी सीट हो गई, हड्डी पसली हो गई। अरे अरे मेरे नोट, अरे मेरे नोट, अरे मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे लेके भागा। ये पैसे मेरे हैं, ये चोर है, ये डाकू है, इसको फांसी दे दीजिए, इसको जेल भी। शुक्रिया मिनिस्टर साहब, इसको फेंक दीजिए। अरे वाह, अरे वाह मेरे रुपए, वाह अरे वाह मेरे रुपए, वाह स्वीटी। कभी नहीं तेरे भाई, वहाँ मैं दूसरे भी 10,000 बताता हूँ।